रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। लंगबान रोड पर स्थित स्वालका गांव की 14 वर्ष की बच्ची को पुलिस ने खोज निकाला है। टोनी देवी चौकी इंचार्ज ज्ञानचंद ने बताया कि बच्ची को गसोता के पास ट्रेस किया गया। बच्ची के पिता ने बताया कि बच्ची मिल गई है। लंगवान रोड पर स्थित सवालवा गांव की 14 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने खोज निकाला है। टोनी देवी चौकी इंचार्ज ज्ञानचंद ने बताया कि बच्ची को गसोता के पास इसे ट्रेस किया गया। बच्ची को डुगा के पास अकेले घूमते देख भी इसे घर ले आए थे। बच्ची के पिता ने बताया कि बच्ची मिल गई है। आपको बता दें कि बच्ची को तलाश करने के लिए SHO संजीव गौतम के नेतृत्व में 4 टीमें डटी हुई थी। सुबह 9 से 9:30 बजे बच्ची को खुले बालों में काली पजामी और शर्ट में अणु चौक की तरफ देखे जाने की अपुष्ट जानकारी मिली है। करीब 9:46 पर बच्ची को हमीरपुर बाजार में गुजरते देखा गया। पुलिस इसे हमीरपुर बाजार, स्कूल मैदान, बस स्टैंड तथा इसके आसपास गंभीरता से तलाश कर रही थी। फिलहाल बच्ची का पता लग जाने से पुलिस व माँ बाप ने राहत की सांस ली है। माँ भी बच्ची तक पहुंच गई है। औपचारिकताओं के बाद इसे घर लाया जा रहा है। इस बारे में सुबह लगभग 7:45 पर बच्ची के लापता होने के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। स्थानीय निवासियों के साथ पुलिस टीम ने लापता बच्ची की तलाश शुरू कर दी। हमीरपुर शहर में लगे CCTV कैमरों से 6 घंटे की खोज और पहचान करने के बाद जहां लड़की को चलते देखा गया था, लड़की को आखिरकार गसोता से ट्रेस किया गया। उन्होंने डुगा के पास सड़क पर बच्चे को अकेले घूमते हुए पाया था और इसे अपने घर ले गई। लड़की के अनुसार वे रास्ता भटक गई थी और तब तक चलती रही जब तक कि उसका पता नहीं चल पाया। उन्होंने कहा कि बच्ची को माता पिता को सौंप दिया गया है। इन्फॉर्मेशन आई कि ये 8वीं में पढ़ने वाली जो बच्ची है ये अपने घर से कहीं चली गई है, शायद इसको डांट कर पड़ी थी। तो इसको जब CCTV फुटेज खंगाली गई डिफरेंट जगह की, तो इसको अनु के पास देखा गया, फिर नीचे पुलिस स्टेशन के पास देखा गया, फिर मटन सिद्ध के पास, तो अल्टीमेटली जाके जो है गसोता में जाके रिकवरी हुई है। तो पुलिस अभी जांच कर रही है और इनको जो है CWC के सामने भी पेश किया जाएगा।